मेथी के पराठे बहुत ही अच्छे बने थे आंटी, थैंक यू सो मच। बेटे रोज आ जाया करो, तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुम दोनों बैठकर बातें करो, तुम्हारे अंकल और मैं जरा मार्केट होकर आते हैं। चलिए। तुम मार्केट अभी काहे के लिए भाई? अरे मार्केट लोग क्यों जाते हैं, घर में सामान खत्म हो गया है, चलिए ना। अरे भाई मार्केट फिर कभी चलेंगे, अभी नीरव इतने दिनों के बाद आया है, इससे बैठकर गप्पे करते हैं। उफ़ो, आप गप्पे बाद में मारना, अभी चलिए मेरे साथ, चलिए। अरे भाई ये लेकिन समझते क्यों नहीं है आप, इन दोनों को बातें करने दीजिए ना, हमारा क्या काम है, चलिए ना। यस यस यस, तुम लोग बातें करो। चलिए बाय बेटे। सो आज हॉस्पिटल नहीं जाना? जाना है, सुबह कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और तुम्हारे सामने वो पुलिस अफसर ने जो भी कहा उसके अलावा नहीं। नसीब भी देखो ना कैसा है निशी, आज सलोनी पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। अगर वो हॉस्पिटल में होती तो शायद अब तक तुम्हारे ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाती है। You're right, Nirav. Nishi, अगर सलोनी हॉस्पिटल में होती तो तुम उसका ख्याल कैसे रखती? उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए तुम डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते उसे? just curious. एक प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं, पेशेंट्स की जिंदगी के कुछ खास इंसिडेंट्स को याद कराना, उन्हें उस माहौल में ले जाना, उन जगहों पर ले जाना जिनसे उनका कोई रिश्ता हो, वही खाना, वही बातें, खेल, जो भी पेशेंट को पसंद हो। लेकिन ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमें पेशेंट के बारे में कुछ पता हो। सलोनी के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हमारे पास कोई नहीं है। इट्स रियली सैड। चलो सलोनी अब घर चलते हैं, बहुत खेल लिया। देखो देखो काली का लोटी आ गई। काली का लोटी, रानी लोटी, काली का लोटी, बैगा लोटी, काली का लोटी, बैगा लोटी, काली का लोटी, बैगा लोटी। क्या कहा तूने? काली का लोटी। दोबारा ऐसा सलोनी को बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। 100 बार बोलूंगा, तू क्या कर लेगा? ऐसा मानूंगा तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। नील क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। तुम सबको देख लूंगा। चलो नीरा, क्या सोच में पड़ गए? नहीं सलोनी के बारे में निशी, काश उसे कोई जानने वाला मिल जाता जिससे उसकी मेमोरी लौटाने में हमारी मदद होती। पहले सलोनी तो वापस मिल जाए। एक कप कॉफी मिल सकती है? श्योर।
ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं, लेकिन हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसी जगह? तीनी के मामले में जो आपने मेरे साथ किया और उसके बाद दिवाली के दिन अपने अंधेपन का राज खोलकर आपने जिस तरह से मेरी औकात मुझे बताई, उसके बाद तो मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। राइट। तो फिर यहाँ क्यों बुलाया है? अपनी नफरत जताने? नहीं, वो क्या है ना, मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है। आपकी हालत तो वैसी होगी है ना, घर की ना घाट की। जीजी ने आपके साथ जो कुछ किया, उफ, कितनी मजबूर है आप। इस उम्र में आपके पति ने आपको छोड़ दिया क्योंकि आपके पति को किसी और ने छीन कर अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। कैसे नहीं आएगी दया करने से? हमें तुम्हारी दया की तो कोई जरूरत नहीं। पूरी बात तो सुन लीजिए काकी साहब, सिर्फ हमदर्दी जताना मेरा मकसद नहीं है, यहाँ तो मैं आपकी मदद करने आई हूँ। हमें तुम्हारी मदद की तो कोई जरूरत नहीं है। अपने ठंडे दिमाग से मेरे इस दिमाग में आई हुई बात तो सुन लीजिए, फायदा आपका ही होगा, 100% गारंटी। बोलो। वो क्या है ना काकी सर, मेरा एक उसूल है, नेकी कर और दरिया में डाल। काकी सर, हमेशा से हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार रहे हैं। आप सलोनी से नफरत करती हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस सलोनी की जगह जीजी ने ले ली है। आप जीजी से बदला लेना चाहती हो क्योंकि उसने आपका पति और आपका राजपाट छीना है और मैं अपनी बेइज्जती का। काकी साहब, हम दोनों मिल जाएं तो फिर उस जीजी का पर्दा फाश कर सकते हैं। बस मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये बात हमारे दिमाग में कैसे नहीं आई? आई मस्ट से मानना पड़ेगा तुम्हारे शैतानी दिमाग को। काकी साहब, अभी तो आपने सिर्फ सुना है। ओहो, मेरी बात को करके देखिए, दुनिया बदल जाएगी, आपकी भी और आपकी सौतन की भी। देखो जैसा कहा है वैसा करोगे तो एक एक चॉकलेट मिलेगा सबको। हाँ, पक्का? हाँ। All the best. चलो मेरे साथ खेलो। अरे सलोनी, चलो घर जाते हैं, अभी बहुत टाइम हो गया। चलो। नहीं, मुझे और खेलना है। सलोनी घर चलो, बहुत खिलौने हैं घर पर। चलो 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 घर जाते हैं, घर बहुत सारे खिलौने पड़े हैं। क्या बोला तुमने? खाली कलोटी। क्या कहा? एक लाऊंगा ना तो समझ में आएगा। छोड़ दो नील, इसे छोड़ दो, चलो हम घर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, फिर से बोलेगा ना तो। जाने दो नील, नील चलो चलो हम घर चलते हैं। चलो तुम झगड़ क्यों रहे थे? तुम्हें वो काली बुला रहा था। तो क्या हुआ, मैं जैसी हूँ वही तो कहा, तुम भी ना नील। चलो घर चलते हैं, आप जी इंतजार कर रहे हैं। आप जी? लेकिन आप जी कहाँ हैं?
मैं तो छुट्टी पर हूँ ना। सलोनी आप जी अब आ गए। एक्चुअली आप जी ने ही कहा कि नील जाकर सलोनी को ले आओ। लेकिन तुम नील कहाँ हो? तुम तो नीरव हो। क्या हो गया सलोनी तुम्हें? अभी अभी तो तुमने मुझे नील बुलाया। मैं तुम्हारा नील ही तो हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक तारा बजाया करता था। तुम उस पर नाचती थी, झूमती थी, पागल हो जाती थी सुनकर। तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो ना? तुम नीरव हो, नीरव। कहिए काकी साहब। कावेरी, तुमने जैसा कहा था वैसा हमने कर दिया है। ब्रजेश को मना लिया और उसे सबके साथ दान धर्म करने के लिए मंदिर भेज दिया है। वेरी गुड काकी साहब, बस आप थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, फिर देखिए इस कावेरी का चमत्कार। चमत्कार तो देखेंगे कावेरी, लेकिन तुमने जो कहा था वो सारी तैयारियां तुमने कर ली है ना? बिल्कुल काकी साहब, आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब थोड़ी देर में देखिएगा उस घर में क्या धमाका होता है, जिसकी आवाज से डोंट माइंड, लेकिन जीजी के कान हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लगता है उर्वशी के बुरे दिन की एंट्री हो गई है। ओ गॉड, इस घर में कोई है ही नहीं। आ रहे भाई, इन सबको भी ना दान दक्षिणा करने नौकर चाकर लेके चले गए। मुझे दुनिया की सबसे बसूरत औरत लग रही है, क्योंकि मुझे आज तेरा चेहरा नहीं, तेरा दिल नजर आ रहा है। लानत है मेरी कोख पे, जिसने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। अरे उर्वशी, एक बाजारू औरत भी अपनी बहन का घर उजाड़ते हुए इतनी खुश नहीं होती जितनी आज तू मुझे नजर आ रही। तुम यहां कौन है उर्वशी? कोई नहीं वीर, वो बाबू से कोई मिलने आया है शायद। ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, हम मैनेज कर लेंगे। याद आया, आप जरा जल्दी से तैयार हो जाइए ना, कहीं बाहर जाना है, मार्केट जाना है, चलिए ना। उर्वशी, सत्य तो यह है कि इस वक्त मार्केट जाने का मन नहीं हमारा बिल्कुल। देखो तारा आ रही है ना थोड़ी देर के बाद मंदिर से, तो उसके साथ चले जाइएगा। हम तो इस वक्त नीचे बैठ के हॉल में एक कप कॉफी पीना चाहते हैं। आप नहीं जाएंगे तो हम भी कहीं नहीं जाएंगे। आपकी पसंद नापसंद से ही तो हर चीज खरीदते हैं हम। प्लीज। ठीक है, मैं अभी आता हूं। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम दोबारा इस घर में आने की हिम्मत कर सकती हो। इतना बड़ा धोखा देने के बाद तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो? तारा के परिवार वालों ने तुम्हें रोका नहीं? रिलैक्स मासा,
आप ही की बेटी हैं भाई, आप भूल गई क्या? ये आपको तो हमारी रग रग से वाकिफ होना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं मासा, हम जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। अब बताइए, आप अंदर आने का कष्ट करेंगे या बाहर से ही वापस चली जाएंगे? तुम्हें इस घर में आग लगाने के लिए अकेला छोड़कर चले जाए, ये हमसे नहीं हो सकता। बहुत ही बेशरम हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन का बच्चा लेकर भाग गई? वो बच्चा तारा का नहीं, हमारा है। उसे जन्म हमने दिया है। वो कोख तुम्हारी थी, लेकिन वो बच्चा तारा का था। कहाँ है तारा का बच्चा? क्या वो तुम्हारे साथ आया है? मासा, आपने हमें क्या इतना बेवकूफ समझ रखा है? और फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो बच्चा हमारा है, जाहिर सी बात है सलामत होगा। भले ही इस वक्त वो अपनी माँ के पास नहीं है, लेकिन उसके हर लम्हे हर पल की खबर है हमारे पास। बड़ी पत्थर दिल हो तुम माँ तो बन गई, लेकिन दया और ममता से तुम्हारा कोई नाता नहीं। मासा डोंट माइंड, लेकिन आपके बारे में भी हमारी कुछ ऐसी ही राय। क्यों आपके दिल में हमारे लिए एक बार भी दया ममता प्यार कुछ भी नहीं आया? अपने जिंदगी भर अपना सारा प्यार अपनी उस गोद ली हुई बेटी को दिया। क्यों हमारी झोली की सारी खुशियां छीन कर आप उस तारा को देती रही? I'm sorry, मासा। आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ आपकी बदौलत है। हमारे मन में इतनी नफरत जो भरी हुई है वो सिर्फ आपकी वजह से। मासा, आप ही जिम्मेदार हैं। हमने कभी भी अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं रखा। दोनों को बराबर ममता बांटी, दोनों के बीच में कोई कमी नहीं रखी। कमी तो थी तुम्हारी सोच में। तुम हमेशा उससे जलती रही, तुमने हमेशा उसकी खुशियां छीनी है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि घर वालों ने तुम्हें यहां आने कैसे दिया। हम आपको बताते हैं समधन जी, उर्वशी को इस घर में आने से इस बार क्यों कोई नहीं रोक सका। इस औरत ने इस बार ऐसी चाल चली है कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई इसे रोकने की। उर्वशी इस घर में नई काकीसा बनकर आई है। हमारे पति की दूसरी पत्नी। समधन जी, उर्वशी ने वीर से शादी तो कर ली है, पर ये नहीं बताया कि वो तारा की ही बड़ी बहन है। वही बड़ी बहन जो तारा का बच्चा छीनकर चली गई थी यहाँ से। वीर नहीं जानते कि ये वही औरत है जिसने इस खानदान के वारिस को गायब किया है। और सबकी जिंदगी में अंधेरा ले आई है। बोलो उर्वशी, जब वीर को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तब क्या होगा? जाकर बताते हम उसे। ऑफ कोर्स, अंजाम हम अच्छी तरह से जानते हैं। अफसोस तो यह है काकीसा कि नादानी आप कर रही हैं। वैसे भी आप सिर्फ नाम की काकीसा हैं। डोंट माइंड, आप बौखलाहट में जो सपने देख रही हैं हमारे रहते तो ये कभी पूरे नहीं होंगे। अब हम तुम्हारा कोई सपना पूरा नहीं होने देंगे। हम अभी जाकर समधी जी को सब कुछ सच सच बता देते हैं। मासा, आप भूल रही हैं कि ब्रजेश और आपकी लाडली बेटी तारा का बच्चा भी हमारे पास है। आज कोई भी धमकी हमारे कदम नहीं रोक सकती। मैं अभी जाके सच सच बता देती हूँ। मासा रुकिए। मासा, चाहिए मासा, नहीं तो हम अपने आप को खत्म कर देंगे।